बहरा क्षेत्र की जनता से माफी मांगते नजर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। यूपी के सीतापुर में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने सोमवार को हरगांव और महौली विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर जनसभाएं कर क्षेत्र की जनता को लुभाने का प्रयास किया। महौली विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव में आयोजित जनसभा में जितिन प्रसाद जनता से माफी मांगते हुए दिखाई दिए। और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, आपके विश्वास को धोखे नहीं देना पड़ेगा। बहुत कठिन है, मगर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन कभी ना आए जब मेरे क्षेत्र की जनता और आप लोग मेरी वजह से किसी भी तरीके से आपको संसार होना पड़े। अरे और आपको ये महसूस होना पड़े कि आपने कोई सही फैसला नहीं लिया। मैं ऐसा कभी वो दिन नहीं देखना चाहता कि आपने आपकी भावनाओं को ठोस पहुंचे मेरी। मेरी कोशिश पूरी रहेगी, मेरा प्रयास, मेरा संकल्प, मैं पूरा सामर्थ्य लगाऊंगा इस क्षेत्र के लिए। आप लोगों की जो कमियां रही, जो और कोई नाराजगी रही, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं और ये प्रयास करूंगा, जो कमियां हैं उन्हें दूर करूंगा। ये मेरी कोशिश है कि काम हो इस क्षेत्र में, व्यक्तिगत तो कराऊंगा ही, जैसा एक परिवार का सदस्य के रूप में लोग कराते हैं। और बाकी चुने हुए प्रतिनिधि कितने विकास में भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी।